यूपी के बुलंदशहर में प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। बुलंदशहर की मंडी में इन दिनों प्याज 120 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे प्याज ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और महिलाएं बिना प्याज सब्जी बनाने को मजबूर हैं। यही नहीं, प्याज की बढ़ती कीमतों का असर बाजार पर भी पड़ रहा है। बाजार से प्याज गायब होता जा रहा है, सब्जी मंडी में किसी किसी दुकान पर प्याज दिखाई देता है। हमारी टीम ने जाके इसके रियलिटी टेस्ट करी, देखिए आप भी पहले हमारी एक रिपोर्ट। मैं प्याज लेने आया था, लेकिन प्याज के भाव देखने के बाद में तो प्याज पूरी मंडी में ही ना है, इतना रेट इतना हाई हो रहा है जी। इसमें इस तरीके से घर से प्याज मंगाई तो प्याज लेने के लिए आए हम लोग, अब यहाँ आके देखा रेट, बल्कि एक दो दुकानों पर प्याज है, इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा प्याज बहुत महंगी है, इसलिए बिना प्याज के सब्जी खाएंगे जी। कितनी महंगी है प्याज? प्याज 120 रुपये बता रहे जी। इतनी महंगा क्यों प्याज पे? प्याज बहुत महंगी हो रही है, 120 रुपए किलो, 125 रुपए किलो। गरीब आदमी में खाई भी जा रही, ली भी नहीं जा रही। ऐसा ये मंदी होनी चाहिए ना सब चीज, जो गरीब आदमी खा ले हैं। बताओ खारा बगैर प्याज के बनना, बगैर लहसुन के बनना, सब चीज़ पर इतनी महंगाई आ रही है। थोड़ी मंदी हो तो गरीब आदमी खा ले पहन ले, ऐसा होना चाहिए जो गरीब आदमी भरता। क्या नाम भैया आपका? जयप्रकाश सर। आप सब्जी बेच रहे हैं, प्याज क्यों नहीं है? प्याज मंडी में इतनी महंगी हो रही है, हम ला ही नहीं पा रहे, ग्राहक हमारे बिना प्याज के लौट रहे वापस, महंगे के चक्कर में 100-110 रुपये मंडी में बिक रही है, यहाँ पे कोई ले नहीं पाता। यहाँ कितनी बिक रही है? यहाँ पे 100-120, और फिर मंडी में बहुत महंगी है, 100-110 वहीं बिक रही है। इस वजह से हम ला ही नहीं पा रहे, ग्राहक ले नहीं था, बिना प्याज के ग्राहक जाता वापस। परेशानी जी महंगाई की वजह से। क्या नाम भैया आपका? असलम। असलम, ये आप प्याज जो है पूरी मंडी में नहीं है, आपके पास ही प्याज दिख रही है, क्या वजह है जो प्याज इतनी महंगी है? माल नहीं आ रहा, पीछे कम आ रहा माल बहुत, इसमें से महंगी है प्याज बहुत। तो एक ही इलाका चला है, जब भी प्याज महंगी है 4 रुपये, प्याज 100 रुपये 120 रुपये किलो तक बिक रही है, तो कहाँ खाने गरीब आदमी तो खा ही नहीं रहा बिल्कुल। तो बड़ी परेशानी हो रही गरीब लोगों को? हाँ, कहाँ दुकानदारी हो ही नहीं रही है बिल्कुल। आपने सुना कि विक्रेता और ग्राहक प्याज की कीमतों को लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बुलंदशहर की काली नदी के पास स्थित सब्जी मंडी, जिसमें एक दो दुकान पर ही प्याज सिर्फ इसलिए बिकता नजर आ रहा है क्योंकि इन दिनों प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। प्याज की कीमतें थोक रेट पर 100-110 रुपए किलो आ रही है, जबकि खुदरा रेट प्याज का 120 रुपए तक जा पहुंचा है। महंगे होते प्याज को हर कोई खाने को तैयार नहीं है, इसका असर होटलों ढाबों पर भी पड़ने लगा है। प्याज खाने वालों की माने तो अब महंगी होती प्याज जेब पर भी भारी पड़ने लगी है, इसलिए सब्जी अब बिना प्याज बनानी पड़ रही है। सब्जी विक्रेता जयप्रकाश की माने तो प्याज की कीमतों में आए उछाल के कारण अब वह प्याज नहीं बेच पा रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने गृहिणियों के भी आंसू निकाल दिए हैं। दुकानों में प्याज की बिक्री में 50-60% की गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ व्यापारियों ने कहा कि अभी प्याज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक महाराष्ट्र से ताजा आपूर्ति के साथ ही इसकी कीमतें स्थिर होने की संभावना नहीं है। ताजा आवक में कम से कम 15-20 दिन का समय लग जाता है, और जब तक ताजा आपूर्ति बाजारों में नहीं आती तब तक कीमतें ऊंची बनी रह सकती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।